Hello and welcome to English Grammar and Literature Teacher Amroha. This is the second video in the series of voice, a part of grammar. In the first video, I told you a little about the definition of voice, the definitions of active voice and passive voice, and I also told you a little about how to transform the active voice of declarative and interrogative sentences into its correspondent passive voice. Declarative sentences or interrogative sentences. Declarative में मैंने बताया था कि negative affirmative statements होते हैं और interrogative तो questions होते हैं. इसमें active voice को passive voice में कैसे transform करते हैं बताया था. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताई थी कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं. अगर इन चीज़ों को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखें. वैसे मैंने ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब पर भी स्पेशल वीडियोज़ बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं. तो उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वॉइस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे करते हैं. ठीक है, पहला काम था ऑब्जेक्ट पहचानना. अब इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वॉइस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है. इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस एंड एक्सप्रेसेस अ कमांड एन ऑर्डर डायरेक्शन और रिक्वेस्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अजेसिव और अ डायरेक्टिव. डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिलीवरी एन इम्पेरेटिव सेंटेंस मे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क और अ पीरियड. इट इज़ यूजुअली सिंपल एंड शॉर्ट बट कुड बी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में मोस्टली तो पीरियड होता है लास्ट में फुल स्टॉप, लेकिन डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर, बोलने वाले की टोन पर, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है, उसकी इमोशनैलिटी पर. तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी अक्सर लास्ट में लगे हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आमतौर से जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ नहीं होता है, छिपा हुआ होता है, और जो छिपा हुआ होता है वो होता है यू, सेकंड पर्सन, जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. ये ओपनली नहीं दिया, कभी कभी ओपनली भी दिया हुआ हो सकता है, मोस्टली ये छिपा हुआ होता है यू जो है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ रीड योर बुक, तो मैं कह तो यही रहा हूँ यू रीड योर बुक, लेकिन यू मैं बोल नहीं रहा हूँ. अगर मैं ऐसे बोलता हूँ यू रीड योर बुक, तो हो सकता है आप ये सोचें कि तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब यू हुआ कि तुम अपनी किताब पढ़ते हो, यू रीड योर बुक. लेकिन बात टोन की है, कैसे बोला जा रहा है. अब यू के बाद थोड़ा सा पॉज आ रहा है, तो वही डेक्लेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस बन सकता है. यू रीड योर बुक, यू प्ले देयर, यू गो आउट, यू डू दिस एंड यू डू दिस. तो यू के बाद हल्का सा ही पॉज आ रहा है, तो वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकता है. लेकिन यू मोस्टली दिया नहीं होता है, विदाउट यू ही हम अक्सर काम चलाते, सिट देयर, रीड योर बुक, कभी कभी ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ भी जाती है. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड्स हो सकती हैं, रिक्वेस्ट हो सकती हैं, एडवाइस हो सकती है आपकी, या जनरली कहा भी जा सकता है. तो ये तो बात रही इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है. अब ये मैंने आपको बता दिया, कुछ एग्जांपल देख लीजिए. जैसे ये कंसीडर पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन ओवर ट्रेन्स, इसमें एक एडवाइस दी जा रही है. यहाँ ध्यान ये रखना है कि एडवाइस एज अ नाउन जब होता है तो उसमें वी आई सी ई होता है, ए डी वी आई सी ई जब ये नाउन है. लेकिन जब आप इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो सी की जगह एस लिखेंगे, ए डी वी आई एस ई. तो इस पर ध्यान रखिएगा, एडवाइस साउंड भी अलग हो जाती है, यहाँ सा साउंड होती है नाउन में और वर्ब में ज़ा साउंड होती है. दूसरा यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस की ही टाइप दी है, लीव दिस लगेज एट द गेट. यहाँ जो है ये डायरेक्शन दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, अपना सामान गेट पर छोड़ दीजिए. तीसरे सेंटेंस है कम हियर, चेक दिस डॉक्यूमेंट्स एंड गिव मी योर ओपिनियन. सो इट्स ए काइंड ऑफ ऑर्डर. फोर्थ सेंटेंस है
पुट इट डाउन नाउ, ये एक्सप्रेस कमांड है, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे दिया गया है, ठीक है। प्लीज़ क्लीन योर रूम, ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ है, तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंट मूड्स पता चलते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस देखिए, इंपेरेटिव हैं सारे के सारे, रेड वाले जो लेफ्ट में हैं और राइट साइड में आपके पैसिव वॉइसेस में दे रखे हैं। तो पहला सेंटेंस है वर्क हार्ड, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट यू जो है गायब, ठीक है। तो अब ये वर्क हार्ड यहाँ क्या कह रहा है, ये एक एडवाइस है, मेहनत करो, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, क्योंकि यू छिपा हुआ है इसलिए यू को ही यहाँ पर खोल कर रख दिया जाता है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, पैसिव वॉइस बन गए। जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, यहाँ जो सेंस था उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ी, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज से पता चलता है रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, शट द डोर राइट नाउ, यू आर कमांडेड टू शट द डोर राइट नाउ, हैव पिटी ऑन मी, यू आर प्लीडेड और रिक्वेस्टेड टू हैव पिटी ऑन मी, postpone your journey until the lockdown is over, you are advised to postpone your journey until the lockdown is over. Sixth sentence dekhiye, write on both sides of paper, kagaz ki dono side par likhiye, you are instructed or directed, ye direction bhi hai instruction bhi hai, aap likh sakte hain, you are instructed or directed to write on both sides of paper, don't pluck the flowers, phool mat todiye। इसे दो तरीके से आप बना सकते हैं, एक तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, या ऑर्डर वाला जो सेंस है वो फॉरबिड में भी छिपा होता है, फॉरबिड अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर नॉट टू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉट की ज़रूरत, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, या आप कह सकते हैं यू आर फॉरबिडन टू प्लग द फ्लावर्स, दोनों सही आंसर्स हैं। ईट फ्रेश फ्रूट एंड ड्रिंक मच वाटर, ये भी एक एडवाइस है, रिकमेंडेशन है, यू आर एडवाइज और रिकमेंडेड टू ईट फ्रेश फूड एंड ड्रिंक मच वाटर। इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वॉइस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब ये थोड़े से एग्जाम्पल और देख लीजिए ताकि कोई थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। लेट मी गो नाउ, इसके सामने लिखा यू आर ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो नाउ, देखिए इसमें प्लीज तो नहीं है लेकिन हो सकता है जिस तरीके से बोला गया हो तो उसमें कहीं रिक्वेस्ट हो, कॉन्टेक्स्ट अब क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसे ऑर्डर भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, लेट मी गो नाउ, टोन का नहीं पता चल रहा बोलने वाले ने किस टोन में बोला, तो यू आर ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो नाउ, लेट हिम प्ले फॉर सम टाइम, ये भी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है अगर सही मीनिंग समझना है, इसलिए आप एडवाइस भी कह सकते हैं या सिंपली आस्क भी कह सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड और आस्क टू लेट हिम प्ले फॉर सम टाइम, गो देयर, यू आर टोल्ड और आस्क्ड और यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, टीच हिम, यू आर टोल्ड और आस्क्ड और ऑर्डर्ड टू टीच हिम, वेयर योर मास्क प्लीज, you are requested to wear your mask please, sorry, you are requested to wear your mask. Now look very carefully at sentence number 6, Jack read your book now, ab Jack ko hi address kiya ja raha hai, abhi tak you ko address kiya ja raha tha, ab Jack naam ke boy ko address kiya ja raha hai, Jack read your book now, to ye declarative sentence nahi hai, ya pause hai Jack ke baad, isliye कॉमा भी यूज़ किया है, जैक यू आर ऑर्डर टू रीड योर बुक नाउ, डू इट, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। इस तरह के जो इम्पेरेटिव्स हैं जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो उन्हें हम लेट से भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट से नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट है तो लेट से बना सकते हैं, और वरना दूसरा तरीका तो है जो कि अभी तक आप यूज़ कर रहे हैं, डू इट, लेट इट बी डन, बाई यू आप लिख भी सकते हैं विद इन द ब्रैकेट्स, ना लिखना चाहें तो भी अंडरस्टूड है, लेट इट बी डन,
या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू डू इट। लास्ट सेंटेंस है, यूज आरोग्य सेतु ऐप, यू आर एडवाइज्ड टू यूज आरोग्य सेतु ऐप, और यू कैन से यू आर रिकमेंडेड टू यूज आरोग्य सेतु ऐप। सो दिस इज अबाउट हाउ टू ट्रांसफॉर्म वॉइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दिस इज एन इक्वल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वॉइस चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग regarding this video, regarding the quality of the video, regarding the quality of the lesson, you may please write your comment in the comment section. And if you want to learn more, please subscribe to the channel, and thank you for watching.